हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारा नो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पर परचेज कर लिया है रेडमी ए वन प्लस, गाइस आप यहाँ पर ये चाहते हो कि आप किसी कार्ड से अपने फ़ोन को सेटिंग में से जाकर रीसेट करना चाहते हो, जो जैसे बोलते हैं फैक्ट्री रीसेट, बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आज की वीडियो हम गाइस आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाएंगे। चाहे आपके पास कोई सा भी रेडमी का फ़ोन है, सभी रेडमी की सेटिंग हमारी सेम होती है। वीडियो को यार पूरा वॉच करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, फिर आप लोग बनते हो यार हमारी समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, वैसे आपको किस किस कंडीशन में आपका फोन फॉर्मेट होता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो अगर आपका फोन हैंगिंग वगैरह करता है, आपका फोन कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करता, भी आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हो तो कैसे कर पाओगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको करना, अपने फोन की सेटिंग जस्ट आपको आना पड़ेगा। जैसे आप अपने फोन की सेटिंग में आप आओगे, आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा सबसे ऊपर एक अवार्ड का ऑप्शन। ठीक है, आने के बाद आपको मिलेगा बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन। सिंपल से एक बार बैक कर देता हूँ, दोबारा आपको एक बार अच्छे से फिर ट्राई कर देता हूँ। बट यार जो भी भाई इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो, प्लीज़ भाई यार कमेंट बॉक्स में जैन तो आप लिख ही सकते हो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो नाइस वीडियो रख जाना, बट आपका नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व तो आप यहाँ पे जैन तो लिख ही सकते हो। ठीक है, आप इंडिया से तो होते ना तो कर ही सकते हो, वैसे यहाँ पे 100% में टेस्टेड वीडियो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बैकअप एंड रिसेट जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यार यहाँ मेरे को मिलता है इरेस ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा उसके नीचे मेरे को मिलेगा डिलीट ऑल डाटा, इस पर जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यार मेरा फोन थोड़ा सा कुछ प्रोसेसिंग लेगा कुछ इस कंडीशन से। आपके यहाँ पर 10 सेकंड लगेंगे, मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया, 10 सेकंड में यहाँ पर बिल्कुल चलने देता हूँ ऑप्शन लाइव, क्योंकि आप लोग यहाँ से बैक कर देते हो बार बार, बट आपका यहाँ पर फिर फॉर्मेट नहीं हुआ था आपका फोन। तो यहाँ पर आपको करना नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर आपको एक बार और मांग रहा है। ठीक है, आपको जितना या कुछ परमिशन वगैरह ले रहा है इसको दे देना है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन आती है। अब यहाँ क्या करेंगे, अभी सेकंड से यहाँ पे चल रही है, अब गैस मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, देखो मेरा फोन एक बार यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है, यानी अगर आपका फोन पावर ऑफ हो जाता है क्लिक करने के बाद तो आपका फोन ऐसे फॉर्मेट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं अभी हमारा फोन फॉर्मेट होने में कितना समय लगता है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे यार ये होता है कि आपका फोन हो सकता है कि पावर ऑफ होने के बाद लगभग आपका रेडमी लोगो पे हो सकता है कि 2-4 मिनट हैंग हो जाए, बट आपको घबराना नहीं है कि यार हमारा फोन तो लोगो पे हैंग हो गया, हमारे फोन में तो कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा गाइस मैं आपको बताऊँ। अब आपको जैसे आपका फोन फॉर्मेट होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस लेके आएगा, बट मेरे पास देख रहा होगा रेडमी नोट 7S है, पर आपके पास कोई सा भी रेडमी का, ये मत बोलना भाई तेरे पास सेम मोबाइल नहीं है, यहाँ तो आपका प्रोसेस हो चुका होगा, तो आपको यार कमेंट करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता आपका जो सेटिंग है इस फोन की सेटिंग बिल्कुल सेम है, आप आराम से कर पाओगे। अब इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है चूज योर लैंग्वेज, यानी आप कौन सी भाषा चुनते हो, तो हमें यहाँ पे इंडिया, हाँ तो यहाँ पे इंडिया करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद और आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपकी कंट्री गुजरा है, तो उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फ़ोन में अगर आपने जीमेल आईडी बना रखी होगी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका नेट वगैरह मांगे, तो आपको यहाँ पे अपना नेट कनेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको स्किप क्लिक कर देना, उसके बाद फिर यहाँ पे टिक लगा देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अगर मैं चाहता तो यार इस स्टेप को जल्दी जल्दी कर देता, बट मैंने ये नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा बस, अब मेरा फोन आपको थोड़ा सा समय ले रहा है, वो आपको जो समय लेगा वो आपको देना ही पड़ेगा, बाकी ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ा पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा समय ले रहा है फोन, अब इसको हम लेने देते हैं, अब आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, बट मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया यार, क्योंकि थोड़ा वीडियो स्किप करता तो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता फिर, तो ऐसे मैं इस 3 बार नेक्स्ट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा फिंगर टच हो रहा है आपको वहाँ पे क्लिक करते जाना और आपका प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व होता हुआ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा लोडिंग ऑप्शन रहा, लास्ट स्टेप ये बचा, आपको यहाँ पर लोडिंग लेने में लगभग कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट भी ले लेता है, आपको बिल्कुल यहाँ से बैक नहीं करना, इसे लोडिंग लेने देना है जब तक आपको लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद आपका फोन ओपनली खुल जाएगा। हॉपली वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ सर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखे जाना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नाइस लिखे जाना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर जाना। अगर तुम्हारा में मिलेगा नेक्स्ट बार, ठीक है, बंदे मातो लव यू, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपनी फैमिली का, बाय, लव यू।